भगवान खूबा एक दिन यही हालत तेरे को भी आ जाएगा, एक दिन जरूर आ जाएगा। जो करता वो खाता। तीन दिन एक ही परिवार में तीन भाई लोग आज विधायक बनकर हम आपके सेवा में लग गए हैं, ये क्या मामूली बात है? वो कभी बीजेपी वाले बोलते हैं, कभी सीएम इब्राहिम साहब बोलते। इब्राहिम साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो बार बार बोल रहे 78 में बसराज पाटिल को जिताए, एक बार मिराजुद्दीन पाटिल साहब को जिताए, एक बार राजशेखर पाटिल साहब को जिताए, फिर सबको जिताए, तो फिर तुम्हारे बेटे को जिताने के वास्ते कौन नको बोल रहे? कौन हमलावर के लोग नको बोल रहे? देखेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला ये तो चुनाव हो जाएगा। वो आगे वाला चुनाव देखना है, वो तो पार्लियामेंट का क्या बोला, तो ये तो चुनाव देखेंगे, इसका कोई परवाह नहीं। उसके बाद जो पार्लियामेंट का चुनाव आएगा मिस्टर भगवान खोबा जी, वो देखा जाएगा कैसा चुनाव जाएगा। वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष मोदी बताए, इनका हिसाब से इन्होंने नहीं जीते। आज भी मैं बोलता हूँ, खुद उनका बीजेपी वाले बोलते मैं नहीं, ये खाली मोदी के नाम से जीत रहे बोलकर। अगर है चलो आओ, फलकी आओ, हमदाबाद आओ, एक बार ठहरेंगे चलो। अरे भाई ईश्वर खंडे को हराना, राजशेखर पाटिल हराना, तुम्हारा हमारा का हाथ में नहीं, आप लोग जो बैठे आपका हाथ में, राजशेखर पाटिल और उसके साथ हमारे दोस्त प्रभु चौहान पाप, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं होता। क्या भाई क्या रे बोला तो ये कुछ भी नहीं पटेल बोलता। अभी सुभाष कलूर बोल रहे थे मैं कौन से घरवट्टी में गए था, अब मेरे तो हो गया, ये छोटा बच्चा है उम्र में, मैं इसको मैं करूंगा, इसके पास सब कुछ है। हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब कुछ है, पूरा बसवराज बम्मा है साहब, भगवान खूबा जी, प्रभु चौहान जी, शरणु सलगर जी, रघुनाथ मलकापुरा जी, अभी अनेक नेतागण, जब क्या हो गया खाली मई और ईश्वर खंडे रहीमकर चंद्रशेखर पाटिल अरली, हम इतने लोग मिलकर जिताए भीमराव पाटिल को, आज इतिहास रहा भीमराव पाटिल का। वतने लोग पूरे भारतीय जनता पक्ष का टीम आकर सीएम एक दिन हमलाबाद, एक दिन भालकी, इतना करने के बावजूद भी जब लोगों का आशीर्वाद भीमराव पाटिल को मिला। ये हमारे जो जनता दल के उम्मीदवार यहाँ पर कुछ एक कारखाना डालते बगैर, अरे फैज साहब आपको अभी 2 महीना हो गए, पिछले में जो 32,000 वोट से हमने जीते, आगे आने वाले चुनाव में करीब 45,000 से अधिक वोट से हम जीतना चाहिए। इस राज्य में जो भारतीय जनता पक्ष का सरकार है उन्होंने क्या काम किए, उसके बाद मिराजुद्दीन साहब 2004 में फिर जीत कर आए। उनका ऐसा है, 2 बार जीत कर आने के बाद 2 बार उन मिनिस्टर बनकर एमएलए बने, दोनों बार उनका दैव ऐसा था, जब जब 94 में पिताजी को हराए, 2004 में मेरे को हराए, दोनों बार उन मिनिस्टर बनकर एमएलए बने। और उनका जो पीरियड में जो काम करना था, जो योजना था, उनका हिसाब से उन्होंने किए। अब उन्होंने तो नहीं है, अब उनके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। अब 2014 से अभी 2023 को हम आ गए, करीब उन्होंने 9 साल प्रधानमंत्री बनकर इस देश के विकास के लिए उन्होंने क्या योजना की, अब आपके सामने है। उसके साथ इस राज्य में जो भारतीय जनता पक्ष का सरकार है उन्होंने क्या काम किए, आपको मालूम है, जो माइनॉरिटीज का जो इंजीनियर मेडिकल जो भी आपका इसका पैसा आना है वो भी तुम्हारे को नहीं दिए, ये लोग स्कॉलरशिप कौन से भी काम लोग करें नहीं। पिछले में ईश्वर खंडे साहब बताए माइनॉरिटीज के लिए फंड कितने दिए, जब सिद्धरामैया जी का सरकार था हजारों करोड़ रुपए माइनॉरिटी बैकवर्ड एससी एसटी सभी लोगों को बहुत बड़ा योजना उन्होंने की। अब ये सरकार आने के बाद क्या चल रहा है क्या नहीं आपके सामने है, खुला खुला कर हमारे अध्यक्ष मोदी ने बताए। उसके साथ अभी जनता दल के बारे में बोलना है तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जनता दल के आपको सभी को मालूम है, अभी यहाँ पर जो उम्मीदवार अभी ऑलरेडी घोषणा हो गए सीएम फैज, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बेंगलुरु से पकड़कर हमनाबाद तक 750 किलोमीटर होता, बेंगलुरु से हमनाबाद तक कैसा है मुझे पता नहीं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, कहाँ पर भी कोई भी आकर ठहर सकते हैं, उसमें कोई मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करता। जब इनको शिवमोग्गा में जब इनको सीएम इब्राहिम साहब को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के इनको टिकट दिए, टिकट देने के बाद हमारे वहाँ पर संगमेश बोकर सिटिंग एमएलए था, उनको भद्रावती में उनको छोड़कर ये पार्टी का वरिष्ठ है, तो इनको सीएम इब्राहिम साहब को टिकट दिए।
टिकट देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से और वहां पर बहुत सारे माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, क्या हो गया? थर्ड स्टेज को है, फर्स्ट सेकेंड नहीं, थर्ड को है। जो सेकेंड है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उन्हें ठहरे था संघ में, उन्हें सेकेंड में। अब सोचिए अभी हमनाबाद में पिछले में जब 1978 से 94 तक जब बसवराज पाटिल साहब कभी भी बोलते थे, बहुत सारे माइनॉरिटीज लोग, बैकवर्ड लोग, लिंग सभी लोग, विशेषकर ये लोग हमारे को बहुत सहाय दी और हम चार बार जीतने के वास्ते उन्होंने उनका बहुत जिम्मेदारी है वो। उसके बाद स्वाभाविक है जब 89 में बशीरुद्दीन हालिमपुर का ठहरे, हालिमपुर का ठहरने के बाद करीब 18 से 20 हज़ार वोट उन्होंने हमनाबाद में लिए। उसके बाद मिराजुद्दीन साहब 1994 में हमनाबाद से चुनाव लड़े। बसवराज पाटिल का 2008 से 2009 से उन्हें हारना पड़े। उन्हें हारने के बाद बसवराज पाटिल साहब ने बोले नहीं 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 अपने आप ठहरना है, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो बोलकर, ठीक है 1999 में मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद आप लोगों का बहुत सहकार रहा, सभी लोगों का सहकार रहा। उस टाइम को खाली कुछ ही वोटों से मेरे ख्याल से 3,000 साढ़े 3,000 वोट से सरमान्य श्री सुभाष कल्लू जी जीते 1999। उसके बाद आपको मालूम है फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो उनका प्रॉब्लम था होने के बाद जो डेल एंड वाइट सिटेजेड हो गया, सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग हो गया। अध्यक्ष मोदी ईश्वर खंडे जी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट में नेल एंड वाइट सेटेजेड किया। उसके बाद उन्हें एक एमएलए भी नहीं, उनको एक एमएलए भी नहीं बोल सकते बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किया। अब उसके बाद जब 2003 में एसएम कृष्णा का सरकार था, बसवराज पाटिल जी पावर मिनिस्टर थे, उस टाइम को मैं इलेक्शन ठहरने के बाद मेरे को यही हमनाबाद क्षेत्र के लोग 12,000 से वोट से मेरे को जिताए, आपका सेवा करने का मेरे को मौका दिए। उसके बाद वो 2020 मैच रहा, एसएम कृष्णा साहब को अभी चुनाव नहीं बोले थे, उन्होंने बहुत अर्जेंट में चुनाव को गए, बहुत उसमें बरगाल था, दुष्काल था, उसमें चुनाव को जाने के बाद बहुत सारे लोग गिर गए, पूरा स्टेट के मंत्रिमंडल में करीब 18 से 20 मंत्री गिर गए एसएम कृष्णा का मंत्रिमंडल में। उसके बाद मिराजुद्दीन साहब 2004 में फिर जीत कर आए। उनका ऐसा है दो बार जीत कर रहने के बाद दो बार उन मिनिस्टर बनकर एमएलए बने, दोनों बार उनका दैव ऐसा था जब जब 94 में पिताजी को हराए 2004 में मेरे को हराए, दोनों बार उन मिनिस्टर बनकर एमएलए बने। और उनका जो पीरियड में जो काम करना था, जो योजना था, उनका हिसाब जो उन्होंने किए, अब उन्होंने तो नहीं है, अब उनके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। अब आप लोग सोचना है मुल्क के बारे में, हमनाबाद के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कौन रहे तो अच्छा रहेगा। अभी ये जो सभी पार्टी वाले क्या कह रहे, कैसा चल रहा, अभी ईश्वर खंडे साहब बताए भारतीय जनता पार्टी का क्या है और जनता दल को वोट देने से क्या हो रहा है, ये लोग आप सोच रहे हैं। सब होने के बावजूद भी मेरे को लास्ट चुनाव में भी करीब 32,000 वोट से मेरे को आप लोग जिताए, ये क्या मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पर काम करे उसके बावजूद भी कल्याण कर्नाटक में जो 41 एमएलए जाते उसमें सबसे मेरे को हाईएस्ट लीड आप लोग मेरे को चुनाकर मेरे को भेज दिए। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर हमनाबाद, स्पेशली हमनाबाद, आप लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के वास्ते, बसवराज पाटिल के वास्ते, बसवराज पाटिल के परिवार के वास्ते आज तक आपने बहुत हमारे को साया सहकार सभी लोग दिए, लेकिन ये चुनाव आप लोग सोचो हम सब मिलकर कैसा भाई भाई के जैसे हम सब काम कर रहे। और जो भी अभी अफसर साहब बताए जितने काम हम माइनॉरिटी, हम कोई कभी कास्ट के बारे में फीलिंग नहीं करे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये एससी है, ये एसटी है, कोई नहीं। बसवाणा ने 800 साल पीछे बोला खाली दो ही जात है, एक मर्द एक औरत, ये दो ही जात है, ये इसमें हमारा हम कर लेते कभी वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ये सब कभी नहीं करे। ईश्वर खंडे साहब बताए हमारे परिवार, बसवराज पाटिल परिवार, खंडे परिवार, क्या हमने योजना किए और क्या योगदान किए इधर को, आपको शायद सब कुछ मालूम है। ये नहीं तो भीमण्णा खंडे जी 1972 से अभी तक ईश्वर खंडे, विजय कुमार खंडे सभी मिलकर मेरे ख्याल से 8 से 10 बार उस क्षेत्र शासक बने, ये क्या मामूली बात नहीं। कुछ काम करने के बाद, कुछ हमारे योगदान रहने के बाद हमारे को लोग जिताते।
अब 1978 से ये 2023 तक 8 बार 9 बार इस विधानसभा क्षेत्र से बसवराज पाटिल और राजशेखर पाटिल को आप लोग आशीर्वाद। ये क्या मामूली बात नहीं है, आप लोगों को जिंदगी रहने तक आप लोगों को हम भूल नहीं सकते, आपका मेहरबानी आपका आशीर्वाद। पिछले में मैं हमारे खुद साहब बोल रहे थे, पिछले में भी हम सब बात कर रहे थे, टाइम को सभी लोग आपके बारे में चर्चा हो गया, सभी लोग हमारे जो माइनॉरिटीज भाई हैं सभी मिलकर, ये खाली माइनॉरिटीज बोलकर नहीं, आज हमनाबाद का चित्रण ही अलग हो गया, बहुत सारे लोग हमारे हाथ को हाथ आ रहे हमारे साथ, बहुत सारे लोग अभी हमारे कार्यदर्शी का टाइम लेकर 20 या 21 तारीख को करीब 500 से 1000 लोग जो जनता दल के प्रमुख लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, वो सभी लोग आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन, राजशेखर पाटिल जी तो क्यों ज्वाइन हो रहे, एक पार्टी क्या किया, राजशेखर पाटिल का योजना क्या है, राजशेखर पाटिल का योगदान क्या है, आपको मालूम है हमनाबाद में क्या हालत था, हमनाबाद कितना हमने अभिवृद्धि की है, अब वो पाप अभी क्या हो गया, बीजेपी वालों को तो दिखते ही नहीं, उन्होंने बोले ना हमारे अध्यक्ष मोदी वो दूसरे खापे है, छोड़ो उन्हों, वो उनको इधर का नहीं ऊपर का है, देखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला ये तो चुनाव हो जाएगा, वो आगे वाला चुनाव देखना है, वो तो पार्लियामेंट का क्या बोलो, तो ये तो चुनाव देखेंगे, इसका कोई परवाह नहीं, उसके बाद जो पार्लियामेंट का चुनाव आएगा मिस्टर भगवंत खोबा जी, वो देखा जाएगा कैसा चुनाव जाएगा, वो उन्हों क्या कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष मोदी बताए इनका हिसाब से उन्होंने नहीं जीते, आज भी मैं बोलता हूँ खुद उनका बीजेपी वाले बोलते हैं मैं नहीं, ये खाली मोदी के नाम से जीत रहे बोलकर, अगर है चलो आओ फल्की आओ हमनाबाद आओ एक बार ठहरेंगे, चलो है आपको इच्छा है वो भालके में आने प्रमाण करा रहे, क्या मुझे मालूम नहीं, ईश्वर खंडरे को हराना राजशेखर, अरे भाई ईश्वर खंडरे को हराना राजशेखर पाटिल हराना तुम्हारा हमारा का हाथ में नहीं, आप लोग जो बैठे आपका हाथ में, राजशेखर पाटिल होंगे, राजशेखर पाटिल होंगे, ईश्वर खंडरे होंगे, भगवंत खूबा साहब को भी डालने का वोट एक ही हक है, राजशेखर पाटिल को भी डालने का वोट डालने का एक ही हक है, ईश्वर खंडरे साहब को भी डालने का वोट एक ही हक है, उन्हें क्या बोल रहे हैं, मैं ईश्वर खंडरे को भी हरा दू राजशेखर पाटिल को भी हरा दू, उन्हें बोल रहे थे पिछले में बीदर डिस्ट्रिक्ट में हम 6 के 6 सीट हम जीतेंगे, और उसके साथ हमारे दोस्त प्रभु चौहान पाप उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं होता, क्या भाई क्या रे बोला तो ये कुछ भी नहीं पटेल बोलता, उन्हें बोल रहे थे हम 6 के 6 जीते, मैं एक बार वादा किया उसको प्रेस मीडिया को, अभी मेरे सामने ठहरे इन बहुत सारे मीडिया में बताते हैं, अगर उन 5 भी अगर जीते तो हम राजकीय से संन्यास लेते, बोला राजकीय से संन्यास, वो भी उनको पूछो भगवान खूबा को और हमारे प्रभु चौहान को पूछो, अगर 5 जीते तो हम तैयार है, वो कुछ भी नहीं लोगों को गलत रास्ते पे लाना, जो उन्होंने बोले ना घर में हर घर में झगड़ा लगाना हर घर तोड़ना, भगवान खूबा एक दिन यही हालत तेरे को भी आ जाएगा, एक दिन जरूर आ जाएगा, जो करता वो खाता, जो नमक खाता वो पानी पीना ही पड़ता, ये लोग आपको मालूम है, जो गलत काम करता उसको एक न एक दिन वो हो जाएगा, आपको मालूम है बीदर सरकार सक्कर कारखाने अध्यक्ष अभी जो ईश्वर खंडरे जी ने बताए पिछले में जो उन्होंने काम किए 11 साल बीदर सरकार सक्कर कारखाने का अध्यक्ष बनकर, क्या योजना था कैसा चले फैक्ट्री, भीमण्णा खंडरे जी को पकड़कर बसवराज पाटिल जी को पकड़कर उन्होंने याद किए, आज फैक्ट्री का हालत क्या है, जब उन्होंने मंत्री थे जब सिद्धरामैया की सरकार में हम उन्हें मिलकर 10 करोड़ रुपए लाकर हमने फैक्ट्री चालू की, कुमार स्वामी का सरकार में मैं मंत्री था उन्हों हम सब मिलकर कुमार स्वामी को बोलकर 20 करोड़ लाकर हमने बीदर सागर सक्कर कारखाना चालू किया, ये सरकार में भी बसवराज बोम्मई साहब को बोलकर हमने 10 बार उनके पास ईश्वर खंडरे साहब हम ये रईत लोगों के वास्ते सुभाष कल्लू के वास्ते नहीं है कि कार्मिक के वास्ते हम जाकर मिलकर साहब 10 करोड़ 10 करोड़ कितने बार भीख मांगे हम, उसके बाद उन्होंने बहुत लास्ट को जब हमना बिदर आ रहे थे जब दे दिए 10 करोड़ सुभाष कल्लू साहब हम मिलकर भी गए, सुभाष कल्लू साहब कभी नहीं बोले राजशेखर पाटिल साहब आकर ये बीदर सहकार सक्कर कारखाने को हमारे साथ आकर बोले, उनका मुंहू नहीं है कोई बात नहीं भगवान उनको अच्छा करने दो, लेकिन कल्लूर से जाकर इतना बड़ा ताला लाकर उसको डाल दिया बंद हो गया, उन्हें क्या मतलब से गए मुझे मालूम नहीं, मैं बोला जब उनका सरकार है
उन्हें कुछ तो ज्यादा पैसा लाएंगे, फैक्ट्री चालू करेंगे और लोगों को कष्ट में है, जो रईत लोग कष्ट में है वो करेंगे बोलकर वो चले गए। अभी सुभाष कलून बोल रहे थे मैं कौन से घरवट्टी में गए था, अब हमेरा तो हो गया, ये छोटा बच्चा है उम्र में, मैं इसको मैं करूंगा, इसके पास सब कुछ है, फिर हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब कुछ है। कल्लूर साहब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम चार बार हार कर तुम हो गया, तुम भी निशक्त है, तुम दूसरों को कैसे शक्ति देते, दे सकते क्या जी? जब मैं मजबूत रहे तो, जब मैं मजबूत था ईश्वर खंडरे मजबूत थे, भीमराव पांडे को जीता ले कर लाए ईश्वर खंडरे का नेतृत्व। क्या बोलते, क्या बोलते, जब हम समर्थ थे ईश्वर खंडरे कार्याध्यक्ष थे, मैं MLA था, हम दोनों मिलकर पूरा बसवराज बम्बई साहब, भगवंत खूबा जी, प्रभु चौहान जी, शरणु सलगर जी, रघुनाथ मलकापुरा जी, अभी अनेक नेतागण, जब क्या हो गया खाली मई और ईश्वर खंडरे रहीमकर चंद्रशेखर पाटिल अरली, हम इतने लोग मिलकर जिताए भीमराव पाटिल को, आज इतिहास रहा भीमराव पाटिल का। उतने लोग पूरे भारतीय जनता पक्ष का टीम आकर CM एक दिन हमलाबाद एक दिन भालकी इतना करने के बावजूद में जब लोगों का आशीर्वाद भीमराव पाटिल को मिला, ये कोई भगवंत खूबा बोलने से सुभाष कल्लूर बोलने से कुछ फर्क नहीं गिरता। मैं तो ये दावा करना चाहता हूँ आज का हालत जो हमनाबाद में हम देख रहे हैं, हमनाबाद क्षेत्र में मैं ऑलरेडी दो तो तीन जिला पंचायत मेरा प्रवास हो गया, सभी लोगों इतना प्यार से इतना खुशी से महिला सभी लोग साहब आपने बहुत काम किए, कोई कुछ भी बोले दो हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे को वोट देंगे, सभी कास्ट के लोग, ये मैं बड़ापन नहीं बोल रहा, आप सोचिए आप TV आप मीडिया में देखिए और मीडिया लोग साथ में आ रहे, आप सभी तरफ देखिए, मैं राजौड़ा गया था, मैं कल घाटबोड़ गया था, घड़वाड़ी गया था, घड़वाड़ी तो ज़्यादातर माइनॉरिटी से, मैं लास्ट टाइम उनको अपील किया था घड़वाड़ी में, देखो कभी भी चुनाव होता घड़वाड़ी नंबर वन बूथ है, वो क्या होता वहाँ पर जनता दल लीड आता, जनता दल लीड आई तो TV में हमनाबाद जनता दल लीड, वो क्या होता 7-8 बजे काउंटिंग शुरू हो गए तो वो 12 बजे तक वही चलता, जनता दल लीड जनता, वो कभी तो 400-500 लीड आता। मैं लास्ट को 2018 में सभी लोगों को मैं विनती किया, देखो भाई ऐसा हो रहा, ये गलत मैसेज जा रहा आप करो, तो वो लोग 2018 में वहाँ से शुरू हो गया बूथ नंबर वन से कांग्रेस पार्टी का लीड, कहाँ से 1000 से लीड चलते चलते 32,000 गया, मेरे को आश्चर्य होगा, मेरे भी उतना 20,000-25,000 था, लोगों का आशीर्वाद देखे तो 32,000। उस टाइम को भी मोदी जी आए, अमित शाह जी आए और उत्तर प्रदेश के CM आए, येडियुरप्पा जी आए, बहुत सारे नेतागण आए, हमारे पार्टी से भी राहुल गांधी जी आए, वरिष्ठ नेतागण खड़गे जी आए, बहुत लोग आए। लेकिन आज अभी मैं सुना आज क्या के मीडिया बता रहे थे कुछ लोग, हमारे जो जनता दल के उम्मीदवार यहाँ पर कुछ एक कारखाना डालते बगैर, अरे फैज साहब आपको अभी 2 महीना हो गया, हमनाबाद कांग्रेस का क्या क्या चित्रण है कसम से बोलो, अगर तुम्हारे को मालूम है तो मैं बात करता हूँ, कुछ भी काम नहीं हो गया, कुछ भी नहीं, उन्हें पासपेक्ट डालते ग्लास डालते क्या जी खालिद, वो ग्लास डालकर फिरते पापा उनको दिख रहा ही नहीं, हम क्या काम करें उसको दिख रहा ही नहीं, क्या कर रहे हैं वो BJP वाले, तो वो अंधे के जैसा करते, छोड़ो उनका तो नाम को नहीं है, वो होना मोकर करते अंधे के जैसा। अभी भगवंत खूबे के बारे में बात कर रहे तो बहुत कुछ है, अभी तो लड़ाई अब चालू है, देखेंगे अंत होएगा पार्लियामेंट चुनाव में, अब चालू हो गया जब अंत होएगा देखेंगे, उनका तो ऐसा चल रहा उनको ना जमीन ना उनको आसमान। देखो इंसान को अब ईश्वर खंडरे जी मंत्री बने, मैं मंत्री बना, मैं उनको बोला मैं बहुत पाप उनके साथ, पार्टी अलग है हम उनके साथ, मैं बोला भगवंत खूबा जी आपको एक बड़ा मौका मिला, बीदर जिले से कोई मंत्री नहीं बना केंद्र में, आप मंत्री बने, आप अच्छा काम करो, अच्छा योगदान करो और आपके साथ हमें जो डेवलपमेंट के वास्ते ईश्वर खंडरे जी है, मई हूँ, रेमिका ने, चंद्रशेखर पर, हम सब मिलकर काम करेंगे, आप बुलाओ जो भी काम कर। उन्होंने कभी ही नहीं बोले, कभी नहीं बोले, कभी तो उन्होंने 1.5 साल मेरे ख्याल से मंत्री हो गए, एक बार तो हमको बुलाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कभी नहीं। देखो सबको मौका मिलता, ईश्वर खंडरे को मिला, मेरे को मिला, उनको मिला, हो गया कितने दिन, उनके मरने तक मिनिस्टर रहेंगे ऐसा तो है कौन सा पार्टी में भी, ऐसा नहीं होता भगवंत खूबा जी, जब जब टाइम मिला लोगों का जो काम है काम करने का कोशिश करो। आपको मैं बोलना चाहता हूँ उनका योगदान क्या है सभी तरफ हमनाबाद क्षेत्र में, हमारे ईश्वर खंडरे साहब का कॉन्शियस में डाले के मालूम नहीं मेरे को, हमारे पास कहाँ पर गए वहाँ पर वो बेच डाले देखो सब तरफ, और ऐसा जगह के ऊपर डाले दरगाह मस्जिद मंदिर चर्च
ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಚ್ಚೀಸ್ ಲಾಖ ಪಚಾಸ್ ಲಾಖ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಕ್ರೆ ಐಸಾ ಜಗ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಮಂದಿರ ಹಮ್ಮ ಭಾರ ಉನ್ಕಾ ಬೆಂಚ್ भाई बोला लोगों को दही साहब आए डाले वो एक बड़ा काम किया देखो बीदर डिस्ट्रिक्ट में समझे मेरे हमनाबाद में बोलकर बल्कि में भी है कहते हर जगह मैं हर गांव को जा रहा हूँ ना हर गांव में देखा मैं बेंच तो बोला हाँ भगवान खोबा साहब को मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ मैं उनको साहब बेंच किस लिए डाले क्या उनको वहाँ पर बैठ कर क्या करना है मैं उनको कभी उन्हें मिले अभी तो मीटिंग वगैरह तो नहीं KDP वगैरह नहीं होता कभी मैं उनको बात करूँगा भगवान खोबा जी साहब उसका उद्देश्य क्या है मैं उद्देश्य मैं उनको पूछना चाहता हूँ क्यों बोले तो मेरे को भी मालूम होना ना अगर वो अच्छा उद्देश्य है तो हम भी डालेंगे पूरा हमनाबाद क्षेत्र में पूरे तरफ डालेंगे लेकिन जो काम करना है केंद्र के मंत्री बनने के बाद उनका काम ऐसा रहना डेवलपमेंट उन्होंने बताया मैंने वो किया मैंने ये किया वो एयरपोर्ट का भी मैंने किया साहब एयरपोर्ट के बारे में ईश्वर खंडरे साहब हम धर्म सिंह जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी करीब 10 बार हम दिल्ली को जाकर आए ट्रेन के बारे में बीदर से बेंगलोर को ट्रेन को पापुर को मालूम नहीं हम डेमो ट्रेन जो बीदर से हमनाबाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेलवे के मंत्री थे हम जब भी चालू करें पहले ही अभी उनको कुछ भी नहीं मैं हो गया मैं ही करो अच्छा भाई तुम करे ठीक है करो कर लो देखेंगे परसों के हमनाबाद आए और उनको बीदर डिस्ट्रिक्ट में 6 क्षेत्र में फर्स्ट हमनाबाद और सेकेंड भारतीय बहुत 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 प्यार है मैं उनको एक बार बोला जो बसाव कलर में ज्यादा प्यार होकर जो कार को ठोके थे ना फिर ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान को मैं उनको बोला मैं यहाँ पर उनको आमने सामने बोला मैं पीछे ऐसा भाषण में नहीं मेरे बाजू में बैठे थे भाषण में बोला साहब मंत्री मोदी ऐसा नहीं होना चाहिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ क्या बोलते हो मैं बसाव कल्याण का ऐसा होता बोलकर मैं पहले ही बोला था मैं पूछा उसको खोबा बराबर है क्या ये अड्डा बराबर है हेड़ी दूबा ये सच्चे झूठे बोल रहे यहाँ पर है आपके सामने अगर पूछो कोई भी राजशेखर पटेल ऐसा बोल रहे थे सच्चे क्या झूठे लेकिन हमनाबाद में और भालके में ऐसा ना हो क्या बोलो तो इन करने का जो अच्छा काम करे उसको अच्छा ही होता जो बुरा काम किया उसको एक दिन बुरा ही होता भाई मेरा सोच ऐसा है जब तक मेरे पिताजी थे कभी भी बोलते थे अगर आपके हाथ से अच्छा करने का नहीं हो गया किसी को बुरा मत करो तुम्हारे को अच्छा करने का नहीं नहीं छोड़ दो उसका उन्हें क्या भी करने दो बुरा मत करो बोलकर हम उस इसके ऊपर हम चल रहे हैं आज बसवराज पाटिल का परिवार आप देखे वीरेंद्र पाटिल है हम में चंद्रशेखर पाटिल विभ्रो पाटिल अभिषेक पाटिल उस हिसाब से चल रहे बोलकर हमारे को किसमें भी भगवान कम नहीं किए आज राजकीय में 3-3 एक ही परिवार में 3 भाई लोग आज विधायक बनकर हम आपके सेवा में लग गए हैं ये क्या मामूली बात है मैं ईश्वर खंडरे को बताया उस टाइम को साहब नको शादी है घर में ये दफा नको वो तो नहीं 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 भीम पटेल को ठहरा ही करना है बोलकर हमारे अध्यक्ष मोदी का ये हो गया सिर्फ उसके बाद सभी लोगों का ताकत लगाकर आज 3 MLA हमनाबाद में एक ही घर में और वो लोग बोलते अरे 3-3 है अरे भाई 3 नहीं अभी एक आने का कोशिश कर रहे हैं ये क्या है 3 है बोल रहे तो वो हम 3 है बोल रहे तो कोई बैक गेट से आए क्या कोई तो पीछे दरवाजे से आए क्या कोई नॉमिनेट MLC बने क्या लोगों के पास जाकर लोगों का प्रीति विश्वास लेकर लोगों का वोट लेकर लोगों ने भीमराव पांडे को चंद्रशेखर पांडे को उनको जिताए वो नहीं सोचते वो कभी BJP वाले बोलते हैं कभी CM इब्राहिम साहब बोलते भाई इब्राहिम साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ उन्हें बार बार बोल रहे 78 में बसराज पाटिल को जिताए एक बार मिराजुद्दीन पाटिल साहब को जिताए एक बार राजशेखर पाटिल साहब को जिताए फिर सबको जिताए तो फिर तुम्हारे बेटे को जिताने के वास्ते कौन नको बोल रहे कौन हमनाबाद के लोग नको बोल रहे उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं ऐसे उन्हें कभी आए कभी रोज मैं देख रहा हूँ रोज देखे का घर को जा रहे उतना नसीबत खराब हो गया पाप उनका हमनाबाद में आने के लिए कौन खा मुझे पता नहीं मेरे को जार्ज हमारे जो पिछले का गृह मंत्री थे उन्होंने बोल रहे थे उनका कॉन्सेज में देखे थे वहाँ पर ठहरने के वास्ते उन्होंने मेरे को बोले राजशेखर पाटिल वो मेरा क्षेत्र में आने का था फिर बाद में वो बाल इधर क्या ना बोला मैं वो तुम्हारा कौन तुम्हारा बीदर सौ वो MLA वगैरह कुछ करे बोकर बोले लेकिन कोई भी करने दो लेकिन आप लोग हम लोग यहाँ पर सोच कर ये जो पिछले में हम सब
अभिवृद्धि के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, सेकुलर पार्टी के बारे में आप लोग सोचकर कभी भी आप लोग आशीर्वाद के, और हमारे परिवार आप लोगों के साथ, तुम लोगों का हमारे परिवार के साथ ये बहुत संबंध है। पिछले में बहुत सारे आप लोगों ने बहुत किए और आगे भी मैं आपका बहुत बड़ा निरीक्षक है। ये आने वाले चुनाव में ये जो 2023 का चुनाव एक बहुत बड़ा कारनामा रहेगा। एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए, ये जो हमारे अध्यक्ष मोदी ने बताए पिछले में जो 32,000 वोट से हमने जीते, आगे आने वाले चुनाव में करीब 45,000 से अधिक वोट से हम जीतना चाहिए। और देखो कुछ लोग वहाँ पर, कुछ वहाँ पर हासन में वगैरह कुछ एमएलए ये कर रहे हैं, अगर 50,000 वोट से भी मैं कम जीता तो मैं राजीनामे देते बोल रहे थे वहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों का सहकार, आप लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ, और आपका जो भी काम है ईमानदारी से, और जो भी अगर गलत काम मैं करूँगा वो अल्लाह में मुझे देखे। ये कभी कौन सा भी कास्ट के ऊपर हम कभी गलत काम नहीं किए। आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, सब लोग मिलजुल कर हम सब भाई भाई का जैसा ये जो काम करना है हम सब करेंगे, और आपका सहकार आपका आशीर्वाद कभी भी था, और ये चुनाव में ज़्यादा निरीक्षक में हूँ मैं, ये चुनाव में ज़्यादा निरीक्षक में हूँ। ये जो लोग कर रहे हैं वो लोगों को पाठ सिखाना है, तो इसलिए मैं देश के बारे में, राज्य के बारे में, ये जो करें 200 यूनिट और जो घर का प्रमुख जो है 2,000 रुपए उसको हमारे अध्यक्ष बने सब कुछ ने बताए, और वो देश के बारे में विस्तार से बताओ। कर्नाटक में क्या चल रहा, भारतीय जनता पार्टी का 40% नहीं, अभी साहब अध्यक्ष 40% में थे, 60% को गया पार्टी ने 60, क्या बोले तो एमएलए का बेटे के पास जो 8 करोड़ 6 लाख मिला वो 60% के हिसाब से, ये जो 40% है ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं करप्शन करप्शन कांग्रेस। अरे भाई तुम देखो हालत क्या है स्टेट का, लोग मर रहे हैं, वो परसेंट में कोई वो रही तो हालत देखा मैं पेपर में, वो करप्शन पूछे तो उसका गई देखा गया भीतरी दिवस, आप पेपर में देखे होंगे शायद ना माध्यम से, तो आप देखेगा जी क्या आपको बताऊ उनका, आप ऐश्वर्य साहब आप देखिए वो उसके पास करप्शन देने के वास्ते पैसा नहीं, बोलो क्या बोलते हैं लेकर बेचकर वो देकर मैं कमीशन दे दूंगा, पूरा पेपर में नहीं रहा सभी पेपर में ही देखो। तो इसलिए आज जो हमारा दोनों कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे पूरे मेरे भाई मेजोरिटी भाई सब बैठकर ये यहाँ पर एक मीटिंग बनाए, सब लोग हम बात करेंगे, और क्या होगा थोड़ा पानी आने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अगर नहीं तो हम 6:30 बजे अध्यक्ष मोदी भी तैयार थे, हम सब 6:30 7 बजे अगर चालू होते तो हम आपका भी बात सुनना चाहते थे, आज आपको भी कुछ बोलना है तो वो तो नहीं, अगर हमारे अध्यक्ष अभी चंद्रशेखर पांडे बात करने वाले थे, भीमराव पाटिल वीरेंद्र पाटिल बहुत सारे लोग, और उसके साथ जो पूरे प्रमुख लोग हैं उनका भी बात सुनना था क्या करना है और कैसा क्या आपके साथ जो काम है वो सभी पूछे मेमोरी मेरे को दिए, और मेमोरी के हिसाब से जो भी काम है इसलिए भी इंतजार हो मस्जिद रहो कहां पर बोले सभी काम करने का हमने कोशिश किए और आगे भी, और ईश्वर खंडे साहब जो बताए क्या हुए तो भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आने का 100% इसमें कोई इसमें कुछ भी है नहीं, ये तुम्हारा उन्होंने खुला खुला बताए, और तुम आप लोग आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन जी पाएंगे 2024 और मई और जून में अच्छे दिन आकर आपका काम हो जाएगा मुद्दे में। आज जो यहाँ पर सभी लोग बुलाकर और मेरे भाई को मेरे तरफ से मेरे विश्वनाथ पाटिल परिवार के तरफ से और मेरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन देता हूँ, आप सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ, मेरे चार भाव को सवाल करता हूँ, जय हिंद जय कर्नाटक।